हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट एंगुलर 17 कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में नेम्ड और मल्टीपल राउटर आउटलेट के बारे में देखा, जिसे हम एक्सिलरी राउट्स भी बोलते हैं। और आज आपके जो वीडियो लेकर आए हैं तो ये बहुत ही खास है, जिसमें कि हम बात करेंगे राउट गार्ड्स के बारे में। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब भी आप किसी बड़े कॉरपोरेट में काम करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, बहुत ही डीपली इसको यूज किया जाता है। क्यों, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल्स में कि ये गार्ड होता क्या है, क्या है और क्यों यूज करते हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन के लिए, और कैसे इम्प्लीमेंट करें, कितने तरह के गार्ड होते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना स्किप किए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राउट गार्ड होता क्या है। देखिए, राउट गार्ड को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे सपोज करिए कि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी अगर एप्लीकेशन आप बनाते हैं तो यूजर पर आप बिलीव करके नहीं बनाते कि यूजर अपने तरीके से सही ही यूज करेगा, ऐसा नहीं होता। आप अपने एप्लीकेशन के अंदर सारी सिक्योरिटी, परमिशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बना दिया और सोच लिया कि यूजर सही तरीके से यूज करेगा। यूजर होता है, वो कहीं भी क्लिक करके कहीं भी जा सकता है। आपको रोकना होगा कि उसको यहाँ पर एक्सेस है कि नहीं है, आपको बताना होगा लॉगिन करके आओ। तो इन सारे चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। वही मैंने बता रखा है, बींग वेब एप्लीकेशन डेवलपर यू आर अवेयर हाउ ए सर्वर चेक द परमिशन फॉर द यूजर ऑन द नेविगेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट्स। आप अपने एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करेंगे, ना कि आप छोड़ देंगे कि नहीं, ये यूजर है तो एडमिन वाला पेज यूज नहीं करेगा, ये फैकल्टी है तो स्टूडेंट वाला पेज यूज नहीं करेगा, ये लाइब्रेरियन है तो अकाउंट वाला पेज यूज नहीं करेगा, अपने तरीके से सही यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ये सब कुछ इंप्लीमेंट करके रखना होता है, ताकि आपका एप्लीकेशन सही तरीके से सही मैनर में काम करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को, जैसे अभी मैंने दो वर्ड यूज किया, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। ऑथेंटिकेशन मतलब कि आप लॉगिन करके आए हैं कि नहीं, ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं कि नहीं हमारे इस एप्लीकेशन का। और ऑथराइजेशन होता है कि आफ्टर ऑथेंटिकेशन आपको किस किस पेज पर राइट्स हैं। जैसे आप लोग sahosoftech.com पर जाते हैं, बिना लॉगिन किए आप कोई प्लान परचेज करने की कोशिश करते हैं, तुरंत आपको लॉगिन पेज पर भेज देता है एप्लीकेशन कि आप लॉगिन करके आइए। लेकिन जब लॉगिन करके आते हैं, आप कोई प्लान परचेज करते हैं, कोई कोर्स परचेज करते हैं, तो आपको कुछ नहीं बोलता, आपको परचेज करने देता है। लेकिन बिना लॉगिन किए कोई कोर्स परचेज करते हैं या बुक परचेज करते हैं, तो तुरंत आपको लॉगिन पेज पर भेजता है। तो ये सब ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना होता है। जैसे ऑथराइजेशन के बारे में बताऊँ, जैसे मान लीजिए कि आप अपने कंपनी में काम कर रहे हैं और कभी आपने अकाउंट डिपार्टमेंट में आप गए, एक ERP मान लीजिए आपका कंपनी का चल रहा है, और उस ERP में आपका भी एक्सेस है, अकाउंट का भी एक्सेस है, और एडमिन का भी एक्सेस है, सबका एक्सेस है, आपके TL का भी एक्सेस है। तो अगर आप सपोज करिए कि आप कभी गए हैं अकाउंट डिपार्टमेंट में और एक अकाउंटेंट आपका आपके एम्प्लॉय लोग का सैलरी बना रहा है, और आपने उस URL को टाइप कर लिया, याद कर लिया, और उस URL को लाकर अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहे हैं, टाइप करेंगे तो क्या करेगा वो लोग, पहली बात वो लॉगिन मांगेगा, तो आपके पास वो CRP का एक्सेस है लेकिन आपको इम्प्लॉय वाला एक्सेस है, तो क्या आप इम्प्लॉय के अपने URID पासवर्ड डालेंगे तो क्या वो पेज दिखेगा, नहीं दिखेगा। मतलब कि आप ऑथेंटिकेटेड यूजर तो हैं लेकिन आपको उस पेज का राइट्स नहीं है, दैट इज द ऑथराइजेशन। ठीक है, ये सब कुछ आप इंप्लीमेंट करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, अगर नॉर्मली आप किसी टेक्नोलॉजी में आप यूज करते हैं तो इन सारे चीज़ों के लिए आप अलग अलग तरीके से बड़े बड़े कोड लिखकर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन एंगुलर के अंदर कुछ राउट गार्ड्स दिए गए हैं जो अलग अलग काम के लिए इजीली इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से गार्ड हैं और कौन कौन से काम गार्ड कर सकते हैं, गार्ड मतलब क्या, मान अगर ह्यूमन एग्जाम्पल की बात करूँ, लेमन एग्जाम्पल करूँ, तो आप कोई गार्ड हायर करते हैं अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, तो एक इंसान होता है, जब तक उसको आप कुछ बताते नहीं है तब तक वो करता नहीं है कोई काम। मान लिया हमने दो गार्ड हायर कर लिया अपने ऑफिस के लिए, तो आकर चुपचाप बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, जब तक आपने बताया नहीं कि आप इम्प्लॉय लोग का बैग चेक करना, आई डी कार्ड चेक करना, तब लोग करते हैं। ठीक है, तो मतलब रूल डिफाइन किया जाता है कि आपको ये करना है। उसी तरीके से गार्ड भी एक फंक्शनैलिटी है, कोड है, जिसके अंदर हम रूल डिफाइन करते हैं कि आपको ये काम करना है, और वो रूल आप किसी राउट के पाथ पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो
इन सारे चीज़ों को हम डिटेल्स में डीपली विद प्रैक्टिकल देखेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से गार्ड होते हैं और किस काम के लिए होते हैं। तो देखिए, एंगुलर हमें 5 टाइप्स ऑफ राउट गार्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, हर गार्ड के नेम में अपना अपना मतलब छिपा हुआ है। देखिए कि और मैं आप लोगों को बताते चलूं कि राउट गार्ड्स को लेकर बहुत ही आप बोल सकते मेजर चेंज आ चुका है। आपको पता ही रिमैप हो चुका है एंगुलर 17, तो इस गार्ड में भी मेजर चेंज है। पहले के गार्ड के कोड और अभी के गार्ड के कोड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। अगर आप पहले एंगुलर के किसी पुराने वर्जन में आप काम किए होंगे, राउट गार्ड इम्प्लीमेंट किए होंगे, तो वहाँ पर क्लास टाइप का होता था गार्ड, अब में फंक्शनल हो चुका है। ठीक है, जिसको आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा, नहीं तो पुराना कोड अब काम नहीं करेगा। अब लिखिएगा, कोड काम नहीं करेगा, तो इसलिए नए सिंटेक्स के साथ आपको काम करना होगा। हम इजी तरीके से कुछ गार्ड का एग्जांपल मैं आपको अलग अलग वीडियो में दूंगा, लेकिन बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का गार्ड इम्प्लीमेंट करना सीखना चाहते हैं, ये सारे गार्ड्स के बारे में, कैन एक्टिवेट, चाइल्ड डीएक्टिवेट और रिजॉल्व, कैन लोड, इन कैन मैच होता है, तो इन सबके बारे में बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का और बड़े बड़े कोड के साथ अलग अलग चीज़ों को हैंडल करना सीखना चाहते हैं, जो कि रियल टाइम कंपनी में काम होता है, तो उस सब के लिए आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ही रियल टाइम प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं, कितने तरीके से यूज करते हैं, सब कुछ बताया जाता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करिए, सिलेबस देखिए, उसमें ये गार्ड भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, और मोबाइल नंबर भी कॉल करिए, इंक्वायरी करिए, जिसमें कि आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास का इंक्वायरी करिए, सीट फिक्स करिए और एंगुलर 17 का क्लास ज्वाइन करिए, जिसमें कि सब कुछ डीपली पढ़ाया जाएगा, टाइपकेसिप भी पढ़ाया जाएगा, RSS लाइब्रेरी पढ़ाया जाएगा, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होगा जिसमें कि कमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा विद ऑल फंक्शनलिटी, विद लाइक ऐड टू कार्ड पेमेंट, गेटवे इंटीग्रेशन, एडमिट, सब कुछ होता है, या इंटीग्रेशन भी होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ा सिलेबस है। एक बार आप जाकर जरूर विजिट करिए ताकि आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल का पढ़ाई होता होगी मिनिमम प्राइस पर। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इस वीडियो में। देखिए, पहला गार्ड है कैन एक्टिवेट, इसके नेम में ही छुपा हुआ है, कैन एक्टिवेट मतलब एक्टिवेट करना है क्या, तो ये राउट को एक्टिवेट करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है कि यहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं, ये पूछ रहा है कि क्या इस जिस लिंक पर यूजर क्लिक किया इसको एक्टिवेट करना है, मतलब आप यहाँ पर ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं, नॉर्मल पाथ के लिए होता है ये। ठीक है, नॉर्मल जितने भी राउट होते हैं उस पर आप कैन एक्टिवेट, जिसे आप ऑथ गार्ड भी बोलते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करके जैसे ही देखिए होता क्या है, क्यों ये अच्छा है, क्यों फास्ट है, इसको बस समझिए। अगर नॉर्मल टेक्नोलॉजी में, ट्रेडिशनल लैंग्वेजेज में आप काम करते हैं तो क्या करते हैं, सेशन को लेकर चेक करते रहते हैं, और सेशन कहाँ पर चेक करते हैं, जब उस पेज पर चले जाते हैं तो उसके पेज लोड पर चेक करते हैं कि सेशन में वैल्यू है कि नहीं है, मतलब लॉगिन किया है कि नहीं है किया है, तो आप मतलब उस पेज को लोड कर लिए, एप्लीकेशन का बैंडविड्थ अपने कंज्यूम कर लिया, तब आपको पता चल रहा है कि आप लॉगिन करके नहीं है, तब फिर उसको लॉगिन पर भेज रहे हैं, तब आपको फायदा क्या, अपने एप्लीकेशन का बैंडविड्थ तो कंज्यूम कर लिया। ठीक है, जिस एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन गार्ड में क्या फायदा है, ये लिंक पर जो पाथ कन्फिग्रेशन होता है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि ऐप कन्फिग, राउट कन्फिग के अंदर जो हम लोग पाथ कन्फिगर करते हैं, पाथ वगैरह, वहीं पर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। जैसे ही यूजर लिंक पर क्लिक करेगा, तुरंत ये गार्ड फायर होगा और चेक कर लेगा लॉगिन कहीं कि नहीं किए हैं, अगर लॉगिन किए होंगे तो तुरंत आपको उस पेज पर भेजेगा, नहीं तो आपको लॉगिन पेज पर भेज देगा, मतलब उस पेज को लोड होने से भी बचा लेगा, जिसके चलते आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट पड़ता है, आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ गार्ड। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज होने वाला चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। अगला है कैन एक्टिवेट चाइल्ड, ये चिल्ड्रेन के लिए होता है। अब मैंने आप लोग को भी चिल्ड्रेन बनाना सिखाया तो नहीं है, लेकिन राउट में चिल्ड्रेन बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारा एक स्टूडेंट का लिंक है और स्टूडेंट के अंदर दो लिंक और ओपन हो रहे हैं, क्या, स्टूडेंट डिटेल्स और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो चिल्ड्रेन बनाया जाता है। अब चिल्ड्रेन क्यों बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे हम आप लोगों को बताएंगे, नहीं तो क्लास में तो उसको डीपली बताया ही जाता है। ठीक है, तो चिल्ड्रेन के लिए होता है, अगर चिल्ड्रेन पाथ है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई गार्ड हो और एक जगह हम केवल इम्प्लीमेंट कर दें तो उसके वो गार्ड सारे चिल्ड्रेन पर अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए कैन एक्टिवेट चाइल्ड यूज कहते हैं, भी ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। लेकिन वहाँ पर और भी हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ाते हैं क्लास वगैरह में, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए कि अगर स्टूडेंट का लिंक है और उसके अंदर
पांच लिंक ओपन हो रहा है, ऐड स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, व्यू डिटेल्स, ये वो बहुत सारा लिंक ओपन हो रहा है। लेकिन उसमें भी अगर हमें कैटेगराइज करना है कि दो लिंक पर बिना लॉगिन का भी एक्सेस हो, जैसे व्यू वाले पेज पर बिना लॉगिन का भी एक्सेस हो जाए और बाकी पर लॉगिन करने के बाद एक्सेस हो, ऐसा चीज़ कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना होगा। उस तरह के कोड लिखे जाते हैं तो वो कैन एक्टिवेट चाइल्ड से हैंडल किया जा सकता है। ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला कैन डीएक्टिवेट। कैन डीएक्टिवेट क्या होता है, देखिए दोनों ऊपर का जो गार्ड है कैन एक्टिवेट और कैन एक्टिवेट चाइल्ड, लिंक पर क्लिक करते ही पेज को लोड होने से पहले फायर हो जाता है, मतलब इसको लोड करना है कि नहीं करना है। लेकिन कैन डीएक्टिवेट आप किसी पेज को लीव करने लगेंगे तब ये फायर होगा, मतलब ये पूछ रहा है क्या इसको डीएक्टिवेट करना है। तब आप लोग सोचेंगे कि भाई अब ऐसा कब काम पड़ गया कि हम किसी पेज से दूसरे पेज पर जा रहे हैं तो एप्लीकेशन पूछ रहा है आर यू श्योर टू लीव दिस पेज, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक बहुत बड़ा फॉर्म है जिसमें 100 कंट्रोल है जिसको आपको फिलअप करना है, जैसे आप लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं कि प्री वेरिफिकेशन फॉर्म आता है, या फिर आप रेलवे बैंक का फॉर्म फिलअप करते हैं, PSC BPSC का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। सपोज करिए उसमें से आपने कुछ कंट्रोल फिल किया, कुछ कंट्रोल आपने फिल नहीं किया और गलती से आपने क्लोज बटन पर क्लिक कर दिया, तो क्या वो एप्लीकेशन बंद होगा? नहीं होगा, वो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर टू लीव दिस पेज, क्योंकि आपने वो चेक कर रहा एप्लीकेशन, आपने इस फॉर्म को सबमिट किया ही नहीं, बस कुछ चीज़ें फिल करके छोड़ दिए हैं, क्या पता आप गलती से क्लिक किए हो क्लोज के बटन को, तो वहाँ पर एक कन्फर्म बॉक्स आता है कि आर यू श्योर टू लीव दिस पेज, आप सचमुच में क्लोज करना चाहते हैं तो ओके करके चले जाएंगे, नहीं तो कैंसिल करके अपने डेटा को बचा सकते हैं। तो ये भी इम्प्लीमेंट किया जाता है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फॉर्म पर। ऐसा नहीं, देखिए ऊपर वाले दोनों गार्ड तो हर पेज पर कॉमन होता है कि भाई ऑथेंटिकेशन चेक करना है, लेकिन ये कॉमन नहीं होता है, अलग अलग पेज पर अलग अलग वेरिएबल के साथ काम करता है। आप कैसे चेक करेगा एप्लीकेशन का आपने सबमिट किया है कि नहीं किया है, सब कुछ इम्प्लीमेंट करके हम लोग बताते हैं। ठीक है, अगला चीज़ है रिजॉल्व। रिजॉल्व गार्ड क्या है? रिजॉल्व गार्ड ये करता है कि किसी पेज पर जाने से पहले चेक कर लेगा कि जिस डेटा के लिए हम जा रहे हैं वो डेटा उस पेज पर अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक बुक मास्टर का पेज है और बुक मास्टर पर सारे बुक बाइंड हो रहे हैं और हर बुक के बगल में एक डिटेल्स का पेज है जिस पर हम क्लिक करके बुक डिटेल्स पेज पर जाते हैं, जिस पर क्लिक करके हम बुक डिटेल्स पेज पर जाते हैं और वहाँ पर बुक का डिटेल्स बाइंड होता है। सपोज करिए किसी बुक का डिटेल्स नहीं है और उस लिंक पर हम शो डिटेल्स पर क्लिक करके चले गए, वहां पर डेटा नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा? डेटा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कि आपने हैंडल नहीं किया गया उस कोड को, आपने पेज लोड कर दिया और उसके बाद पता चल रहा है कि डेटा नॉट फाउंड, तो आप उसको उस कोड को हैंडल कर सकते हैं रिजॉल्व गार्ड की हेल्प से। जैसे लिंक व्यू डिटेल्स पर बटन पर क्लिक करेंगे तुरंत ये चेक कर लेगा कि डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, आपको उस कंपोनेंट को लोड होने से बचा लेगा, होगा तो उस पर जाने देगा, नहीं होता ही बता देगा कि डेटा नहीं है मत जाओ। जैसे मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड पुणे में रहता है, सपोज करिए मैं उसको बिना बताए पुणे पहुंच गया, उसे घर पर जाकर देख रहा हूँ कि ताला लॉक है, लॉक लगा हुआ है, मैं अब वहाँ जाने के बाद उसको फ़ोन कर रहा हूँ और बोल रहा है कि यार मैं तो गोवा घूमने आ गया, तो मेरा यहाँ नोएडा से पुणे जाने का आने जाने का खर्च टाइम सब कुछ वेस्ट चला गया। अगर मैं यहीं से पूछ लेता कॉल करके और बोलता कि मैं नहीं हूँ तो नहीं जाता, तो मतलब हमारा टाइम और मनी दोनों बच जाता है। तो उस तरीके से आप इस चीज़ को यूज करके आप एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। कैन लोड होता है, ये फीचर मॉड्यूल के लिए यूज किया जाता है, जब लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट करना सीखेंगे आप तो वहाँ पर कैन लोड यूज किया जाता है कि इस मॉड्यूल को लोड करना है कि नहीं करना है। इन सारे गार्ड को अगर शॉर्ट्स में बात करें तो कैन एक्टिवेट मतलब कि चेक राउट एक्सेस, राउट के एक्सेस को चेक करता है। कैन एक्टिवेट चाइल्ड क्या करता है, चाइल्ड राउट एक्सेस को चेक करता है। कैन डीएक्टिवेट अनसेफ डेटा के लिए प्रॉम्प्ट देता है आपको। रिजॉल्व प्री फेचिंग द राउट डेटा मतलब किस डेटा पेज पर जाने से पहले उसके डेटा को प्री फेचिंग करता है ये। ठीक है, कैन लोड गार्ड करता है, फीचर मॉड्यूल यूज करता है जब हम लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आप इंप्लीमेंट जब करना सीख जाएंगे तो एक प्रोफेशनल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल चीज़ है, यह और ज़्यादा यूज किया जाता है, एक्सपीरियंस लेवल पर आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपको यह आता है कि नहीं आता है, कैसे हैंडल करें, कैसे इंप्लीमेंट करें, कौन सा गार्ड लगाएंगे और उस गार्ड का कोड लिखकर दिखाइए और कहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का भी तरीका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सारे गार्ड को एक जगह एक ही तरीके से अप्लाई कर लेंगे, हर गार्ड का अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है, हर गार्ड अपने ही इंटरफेस के साथ कॉल होता है, ये सारे फंक्शनल हो चुके हैं, बहुत कुछ चेंज आ चुका है इस गार्ड में।
तो गार्ड क्रिएट करने का जो कमांड होता है वो होता है ng जनरेट गार्ड और गार्ड का नेम। जैसे इंटर हिट करेंगे तो कुछ गार्ड का लिस्टेड नेम दे देगा, कौन सा गार्ड क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद इंटर हिट करेंगे तो गार्ड क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप उस गार्ड को इंप्लीमेंट करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि राउट गार्ड क्या है, क्यों यूज करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन के लिए और कितने तरह के गार्ड होते हैं। आगे आने वाले वीडियोज में कुछ गार्ड को हम इंप्लीमेंट करके इजी तरीके से आप लोग को समझा देंगे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा गार्ड इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। ज़्यादा डीपली नॉलेज के लिए आप लाइव क्लास ज्वाइन करिए, जहाँ पर बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।